Welcome to Wannabe Star Kid. It's your boy Amar. So guys, after so long, वापस आ गया है हमारा छगन व्लॉगर. He is in Dhoomfor. पता नहीं यार, छगन व्लॉगर कुछ भी करता रहता है. और उसमें लिखा है कि फाइंडिंग महारानी झार. कौन सी महारानी भाई? क्वीन एलिजाबेथ इज नो मोर. बट फिर भी कौन सी महारानी का हार भाई, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा. तो बाकी की बातें हम बाद में करते हैं. एक दिन छगन प्यारे अपने पिताजी के साथ बैठ के यूं ही चिल कर रहे होते हैं. ऐसा लग रहा था आलिया और रणबीर कपूर का प्री वेडिंग शूट देखने गया हूं मैं. उसके बीच में थोड़ी सी मूवी डाल दी उन्होंने. तभी अचानक उनका फोन बजता है. हेलो, यस डिटेक्टिव छगन स्पीक. यार मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को आईफोन 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा फल्ट्रा लेते हुए देखा है. ट्रिगर्ड इंसान ऐसा पहला मेरे को बड़ा यूट्यूबर दिखा जो इतना पैसा कमा रहा है और फिर भी वन प्लस 10T यूज कर रहा है. यार मेरे को भी वन प्लस 10T चाहिए था, लेकिन यार अभी उतना है नहीं कैश तो नहीं लिया. कोई बात नहीं, 70 में जब तक चल रहा है तब तक घिसूंगा. आप लोग कौन सा फोन यूज करते हो मुझे बता देना. अरे हेलो छगन भाई, मैं ACP जॉय बोल रहा हूँ. एक्चुअली मिस्टर ए ने महारानी का हार चोरी कर लिया है. महारानी का हार चोरी हो गया है, मिस्टर ए ने चुराया. जी हाँ, आप क्या है, हमारी तो नौकरी जो है चली गई है, तो हम चाहते हैं कि वो हार आप ढूंढ कर लाएं. मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ. अरे छगन भाई, आप तो छगन भाई है ना, छगन डिटेक्टिव छगन, आप तो कुछ भी कर सकते हैं आप. अरे सुनिए तो सही. कह रहा महारानी का हार चोरी हो गया, किसी मिस्टर ए ने चुराया, जाओ ढूंढ के आओ. मैं कहाँ से ढूंढ के आऊँ. महारानी का वही हार तो नहीं, वो जो पप्पी बॉस ने चुराया था. कौन से पप्पी ने चुराया था भाई? पप्पियाँ कब से महारानी का हार चुराने लगी? पप्पी तो अरे वो पप्पी बदमाश, वो गोलमाल फिल्म. मानते हो ना पप्पी भाई का भेजा. अरे लेफ्ट हैंड से जो हार को मैंने साफ किया. अच्छा हाँ, पप्पी बॉस ने चुराया था मारा. भैया जाएगा कहाँ छगन लॉगर, क्योंकि ये गोवा तो नहीं जाएगा, अभी गोवा गया हुआ था ना ये. नहीं कहा पर इससे क्या पता चलता है, मैं क्या करूंगा भाई. पप्पी पहले पप्पी बॉस ने चुराया, अब मिस्टर रे ने चुरा लिया, पर मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ. अरे भाई वसूली भाई, वसूली भाई. अरे सुबह पनवेल निकलना है. कल सुबह पनवेल निकलना है. वसूली भाई को सुबह पनवेल निकलना था. सोच. पर क्यों निकलना था? सोच कि महारानी का हार वसूली भाई को पता है कहाँ पे है. अबे भाई तुम तो जीनियस हो भाई, अब तो महारानी का हार ढूंढने पनवेल जाना पड़ेगा. जीनियस. इंट्रो चेंज हुआ है, इंट्रो चेंज हुआ. भाई सच बताओ, मैं इतने सारे व्लॉगर्स को चेकआउट करता हूँ, एंटरटेनिंग रहता है. ये छगन व्लॉगर और जब स्लेव पॉइंट बनाते हैं व्लॉग्स, ये तो अलग लेवल के व्लॉग्स बना लेते हैं यार ये लोग तो प्रॉपर है. अरे बाप रे. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. पनवेल निकलना है. ये क्या है, गाना बना दिया. महारानी का हार मिस्टर ए ने चुरा लिया है, और मिस्टर ए जो है वो हार लेकर कहाँ भाग गया है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वसूली भाई को पनवेल क्यों निकलना था? उनका महारानी के हार से कुछ लेना देना है? और अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है. लेकिन हम पहुंच गए पनवेल, और मिस्टर वसूली का पता लगाना जरूरी है. अपने को लगता है वसूली भाई वहाँ पे शायद कहीं है. वो देखो वो स्विगी वाले है ना, स्विगी वालों को सब पता होता है. हेलो, ये जो वॉक है ना ट्रिगर की, मस्त लगती है, ऐसा तो चलता है. Excuse me भैया, आई एम डिटेक्टिव छगन. मैं एक्चुअली वसूली भाई को ढूंढ रहा था. वो बोल रहे थे कि उनको पनवेल निकलना है, अब मैं पनवेल पहुंच गया हूं तो वो मिल नहीं रहे हैं. कुछ आइडिया आपको कहां हो सकते हैं? कॉल करना जरा. आप नंबर लगाएंगे उनका? भैया ने फोन मिला दिया है वसूली भाई को. तुमचा डायल किया नंबर मौजूद नहीं है. ये तो बोल रहा है भैया नंबर मौजूद नहीं है. वो चूना लगा दिया. आ जाइए भैया. भैया हमको जो घुमा रहे हैं पनवेल में, तो मिल जाएंगे ना वसूली भाई? नहीं 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 मिलेंगे. नहीं, नहीं, नहीं. मुझे काफी शॉक हुआ और मेरे दिल में थोड़ी सी दर्द भी हुई है सुन के हमारे कैब वाले भैया को लगता है कि वसूली भाई पनवेल में है ही नहीं, और अपना टूटा हुआ दिल. भाई दिमाग में आया कैसे ये बात यार, सच में.
लेकर बस हम वहां से निकलने ही लगे थे कि तभी अचानक का फैन हूं सर, यूट्यूब वीडियो। अरे आई एम हियर टू फाइंड वसूली भाई। वसूली भाई वो बोलते रहते हैं कल सुबह पनवेल निकलना है, पर वो क्यों निकलना है मैं पता लगाने आया हूं। यहां पे वड़ा लेता लाओ करके एक, तो वसूली भाई वहां मिल सकते हैं? वसूली भाई वहां पे भी मिल सकते हैं आपको। तो गाइस अभी हम जाएंगे वसूली भाई को ढूंढने। कहां पे? वड़ाई तड़ाव लेक लेक वाला है। अबे तलाब तलाब तलाव अच्छा तलाब करेक्ट। हाँ वो समझ गया मैं, वो लेक है गाइस। तो अभी हम वहां जाने वाले हैं वसूली भाई को ढूंढने, शशि वड़े वाले करके उनका वड़ा पाव एक बार पक्का ट्राई कीजिए। शशि भाई का वड़ा पाव, चलिए शशि का वड़ा पाव खाने चलते हैं। वैसे भी बहुत भूख लग रही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसके बाद जैसे कि हमारे कमाल के सब्सक्राइबर्स ने बताया कि वसूली भाई वड़ा तलाव पे मिल जाएंगे, तो हम निकल पड़े उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि शशि का वड़ा पाव जो है पूरे पनवेल में फेमस है, तो बहुत भूख लग रही थी इसलिए हम ढूंढने लग गए। शशि भाई का वड़ा पाव नहीं दिख रहा है, वो देखो वहाँ पे एक पनवेल फेमस वड़ा पाव है, एक न्यू पंजाब है, पर क्या हमको शशि का वड़ा पाव मिलेगा? मुझे लग रहा है गूगल ने हमको धोखा दिया है, शशि का वड़ा पाव नहीं है। गर्मी बहुत है तो हम सोचे थोड़ा अपनी टोपी पहन ले, स्मार्ट कैप आ जाइए। एक्सक्यूज मी भैया, भैया शशि का वड़ा पाव किधर होगा? सामने है। शशि का वड़ा पाव किधर मिलेगा? शशि का वड़ा पाव 100 मीटर पर राइट साइड है, 50 मीटर पर यही इधर राइट में। अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं बोला कि इधर मिलेगा, ले लो मेरा वड़ा पाव। शशि के वड़ा पाव ऑटो में तो नहीं होगा, शशि का वड़ा पाव। वाह शशि वड़े वाले, हमें किसी रैंडम सब्सक्राइबर ने बोला था कि शशि भाई के वड़ा पाव खाओ, तो हम लेजिट 10-15 मिनट दूर शशि के वड़ा पाव खाने आ रहे हैं। अब आई होप ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेट्स गो। शशि का वड़ा पाव भैया को भी लेके दिया है, भैया भी ट्राई करने वाले हैं पहली बार। फूड व्लॉगर बन गया भाई, अभी ये ना बोले क्या डाल रहे हो क्या डाल रहे हो इसमें क्या डाल रहे हो। मजा आ जाएगा। और पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े हम वड़ाए तलाव की तरफ वसूली भाई को ढूंढने के लिए। वड़ाए तलाव तो एक तलाव ही है, सब बोल रहे थे वड़ाए तलाव, तभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो वड़ाले तलाव है, वड़ाए तलाव बोल रहे थे इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल हो गया था। पर अब यहाँ पे वसूली भाई कहाँ ढूंढूं मैं? वसूली दीदियों से पूछ लेते हैं, दीदियों को पता, चप्पल ना खा ले दीदियों से यार। वसूली भाई कहाँ है मैम? आपको पता है कि वसूली भाई किधर मिलेंगे? कोई आइडिया नहीं है? अरे वो कह रहे थे कल सुबह पनवेल निकलना है, मैं पनवेल पहुंच गया हूँ, वो मिल नहीं रहे हैं। वसूली भाई स्कैमर तो नहीं है? वसूली भाई की फुटबॉल रह गई वहाँ पे, वसूली भाई यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे। शायद भैया को पता हो वसूली भाई कहाँ है। भैया आपको पता है वसूली भाई किधर मिलेंगे? वो वसूली भाई ना महारानी का हार लेके भाग गए हैं, कुछ आइडिया है कहाँ मिल सकते हैं? वड़ाले लेक तो हमने पूरा जो है देख लिया है, काफी बढ़िया है। नीचे तो मैं उतर आया था पर ये हाइट काफी ज्यादा है, चढ़ू कैसे? अबे 6 फीट का बंदा है यार, आराम से चढ़ जाना चाहिए इसको। एंड सो कंटिन्यूड आर सर्च फॉर वसूली भाई, और ये भैया मिले जिन्होंने हमें बताया कि वसूली भाई का अड्डा कलावंतिन दुर्ग पे है। तो बस फिर भैया ने बोला कलावंतिन दुर्ग, तो निकल लिए उसकी तरफ। बस पागलों की तरह घुमाई जा रहे हैं लोग इसको, इमेजिनरी कैरेक्टर है भाई, कहां से मिल जाएगा? वहां पे उन्होंने हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि वसूली भाई जो है उनका अड्डा जो है वो कलावंतिन दुर्ग पे है। और अरे क्या ब्यूटीफुल है वो भाई हैं? अभी हम वही जा रहे थे, उसी के रास्ते में है। एज यू कैन सी द रास्ता इज अमेजिंग, एंड यहाँ पे जो हमारे भैया जो है वो थोड़ा सा ब्लर कर दिया उसने, पेशाब करने के लिए रुक गए थे, तो मैंने सोचा काफी अच्छा व्यू है तो इस व्यू का आपको नजारा दिखाऊं मैं। इतनी पतली सी सड़क है जिसपे होके हम जा रहे हैं, एंड ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है मेरे को, 3-4 कुत्ते ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। डॉगीज, मैं इनके पास जाऊंगा अगर तो ये मेरे पीछे तो नहीं भागेंगे? बच्चे लोगो, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग। ये वाला मेरे को थोड़ा सा ज्यादा डेंजर लग रहा है, ये जो इधर है ना।
भाई आजकल के डॉग्स ना मतलब प्रॉपर शेर हो गए हैं भाई, पीछे पड़ जाते हैं काटने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। पीस ब्रो, आई लव यू। निकल यहाँ से, निकल। एंड भैया का हो गया है मूत्र विसर्जन। ले आओ भैया गाड़ी, मैं थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ पे फ्रेश हवा खा रहा हूँ। पीछे गाड़ी आ रही है लेकिन तुम्हारा भाई पैदल चलता है क्योंकि फिटनेस फ्रीक। ठीक है समझ गया भैया, रेस हो जाए। मेरी जीन उतर गई है। अरे भैया ज्यादा दूर निकल गए, रुक जाओ भैया। भैया मुझे छोड़ के जा रहे थे। अरे मजाक कर रहा था मैं, थकता नहीं हूँ मैं। आर यू कॉमेडी भी? भैया ये हम यहाँ पे रुक क्यों गए हैं? सर रास्ता यहीं तक है। ये तो इसके ऊपर मतलब अब पैदल? हाँ सर चल के चलना। अबे यार अभी तो बहुत ऊपर है, कितनी दूर दिखा रहे हैं यहाँ से? 3 किलोमीटर दूरी। अरे बाप रे 3 किलोमीटर। अब क्या 3 किलोमीटर पहाड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी? तो आप भी चलोगे भाई? सौरभ जोशी को बुला लो भाई, वो तो अपनी एक्टिवा लेके कहीं पे भी चढ़ जाता है, स्कूटर लेके कहाँ चढ़ जाता है, देखा होगा अगर आप व्लॉग्स देखते होगे उसके। क्या जी सर आप है हमारे साथ, तो डरने की तो बात है ही है। अभी जो है 3 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा कलावंतिन दुर्ग पहुंचने के लिए। खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, आई कैन डू इट। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो भी पहन लेते हैं, पानी लेके जाना भी जरूरी है। भैया आप रेडी हो? सब कुछ रेडी है, चले चलो भाई। कम ऑन फ्रेंड, आइए भाई। भाई बंदे को कैब ड्राइवर बड़ा अच्छा मिला है यार, इतना सपोर्टिव, इतना मतलब फ्रेंडली। बिल्कुल ही 90 डिग्री की ये चढ़ाई कर हर मैदान फतेह। भैया जो है थोड़े से थक गए हैं तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं तो थकता नहीं हूँ। आए क्या श्योर? बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, वसूली भाई है ना ऊपर? तो भैया ने कंफर्मेशन दे दिया, वसूली भाई ऊपर ही मिलेंगे। भैया मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, देखो कैब वाले हैं लेकिन स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं। इन्होंने जितना मेरा साथ दिया ना, आई लव यू भैया। तुम बहुत मस्त काम करते हो। भैया बस एक चीज मैंने आपसे पूछी नहीं, जब से हम साथ में बैठे हैं कितने 4-6 घंटे हो गए हैं साथ में घूमते हुए, भैया आपका नाम तो बताया नहीं आपने। वसूलेश्वर शर्मा। ठीक है भैया, चलिए एक सेकंड। हम जब से पनवेल आए हैं हमने जिस जिस से बोला कि वसूली भाई कहाँ है, वो बंदे ने यही बोला हमें नहीं पता, और फिर हमें देख के स्माइल मारने लग गया। पहला बंदा मिला वो भी हमें देख के हंस रहा था, दूसरा बंदा भी हमें देख के हंसा। अभी जो मैं अपना ACP प्रद्युमन वाला दिमाग घुमा रहा हूं, तो भैया ने अपना नाम बताया वसूलेश्वर शर्मा, और हर कोई जानता था कि वसूली भाई कहाँ है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब वसूलेश्वर का मतलब समझे शर्मा ही वसूली है। क्या बात कर रहे हैं? तब भी तो मैं बोलूं हर कोई क्यों हम पे हंस रहा था, क्योंकि वसूली भाई तो स्टार्टिंग से हमारे साथ में थे। वसूली भाई मोड़ा, यही है वसूली। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वसूलेश्वर भाई मैं ये पूछ रहा था कि महारानी का हार किधर है? सच सच बताओ, बताओ महारानी का हार किधर है? भाग क्यों रहे हो? रुको। अरे रुक जाओ। वो जानता था महारानी का हार कहाँ है, वही वसूली था। बस ये जीन ये ढिलकती रहती है ना, नीचे गिर जाती है, इसलिए भाग नहीं पाया मैं, वरना तो पकड़ लेता उसको भाग के। लेकिन उसकी जेब से कुछ गिरा है, मैंने देखा है। पानविलास। ओ ये रहा। ए ए का वही निशान, इसका मतलब ये मिस्टर ए को जानता था, ये मिस्टर ए का ही आदमी था। सही लगाया था मैंने दिमाग। और ये क्या लिखा है, 3 किलो? पता लगाना पड़ेगा, पर फिलहाल वापस चलते हैं। एक सेकंड, वापस कहाँ जाएंगे? वो वसूली भैया वो ही तो कैब वाले थे, वो तो भाग गए कैब लेके। पैदल पहुंचना पड़ेगा घर। और फिर कई हजार पहाड़ियां, 300 नाले, 6,000 समुद्र और 10,000 शहरों को पार करने के बाद क्या नदी पार की है, वाह 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 वा। तभी मेरा सामना हुआ एक बड़े दिल वाले बाहुबली से। कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा, जिसे ढूंढा हमने गली गली, वो तो हमारे ही पिछवाड़े में निकला, आई मीन वो तो हमारे साथ ही निकला। भैया देंगे मेरे को लिफ्ट, ये मेरे को मेरे रखवाले लग रहे हैं। अंकल लिफ्ट, क्या आप मेरे को लिफ्ट देंगे?
तो मैंने अंकल को अपनी पूरी कहानी बताई और मैंने उन्हें कहा कि अंकल मेरा होटल बस 100 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप छोड़ेंगे मुझे? एंड अंकल वाज लाइक या श्योर, आ जाओ बैठ जाओ। तो मैं पीछे बैठा, उनके अंकल जी ने एक्चुअली में बाइक भी घुमाई 100 किलोमीटर दूर। अरे कहां होटल ले लिया भाई पाली, और सच्ची में निकल पड़े मेरे होटल की तरफ। जोक्स असाइड, वीडियो असाइड, अंकल जी सच में 100 किलोमीटर दूर मेरे को छोड़ के आने के लिए तैयार थे। अंकल जी ओपी, कहां देखा है ऐसा महाबली बाहुबली, ऐसा दिलदार, ऐसा दयालु, रक्षकों का रक्षक। Later that same evening. अबे ये तो पहाड़ के ऊपर चलने वाला था, गया ही नहीं क्या? वो जो दिखाया था मतलब, अरे क्या ये? हमें वहाँ पर सुराग मिला 3 kg, यानी कि K3 बार और G 1 बार, यानी कि K3G, यानी कि कभी खुशी कभी गम। तो मैंने अपने दिमाग दौड़ाया और मैंने सोचा कि कभी खुशी कभी गम और महारानी के हार में क्या ही रिलेशन हो सकता है। तभी मुझे मेरे गुरुदेव ACP प्रद्युमन ने जो शिक्षा दी है उससे मेरे को समझ आया, कभी खुशी कभी गम में महारानी यानी कि रानी, यानी कि रानी मुखर्जी बॉलीवुड की रानी, उसकी हार हुई थी। हार कैसे हुई थी रानी की? रानी की हार ऐसे हुई थी कि शाहरुख ने रानी को छोड़ के काजोल से शादी कर ली, जबकि शाहरुख के पिता चाहते थे कि वह रानी से शादी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने काजोल से शादी करी, रानी से नहीं। तो रानी हार गई, लेकिन अगर केतरी जी में रानी हार गई तो रानी की जीत कब हुई? कुछ कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे क्या है भाई, क्या चल रहा है? ये होता है मैं, कुछ कुछ होता है मैं। शाहरुख ने काजोल से शादी ना करके रानी मुखर्जी से शादी करी थी, यानी कि रानी की जीत हुई। लेकिन अगर रानी की जीत हुई तो उससे क्या हुआ? रानी की जीत पर शाहरुख और रानी की बेटी हुई, यानी कि अंजलि। समझ गए? यानी कि हमारा अगला सुराग है अंजलि। अंजलि को ढूंढना है। I'm such a genius. Sherlock Holmes जानते हो? मैंने तो सिखाया उसको। और अगले दिन निकल पड़े हम अंजलि को ढूंढने। अंजलि, अंजलि, अबे, अंजलि, 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 अंजलि। ये आपने अंजलि को देखा है? अंजलि को नहीं जानते? आपकी अंजलि तो नहीं? अंजलि, आप अंजलि हैं? अरे आपकी अंजलि है ना? अंजलि, अंजलि मेरी बात तो सुनो अंजलि। भाई क्या घट चाहिए भाई ऐसा शूट करने के लिए बाहर वाले लोगों के साथ, है ना? लगता नहीं हूँ मैं, भाग के पकड़ लेता अंजलि को, बस बोलते मेरी जीन ढलक जाती है। अभी लिफ्ट मांग लेता हूँ किसी से। वो भैया ऑटो का पीछा करने चलेंगे? चलेंगे, चलेंगे, आ जाओ आ जाओ। अब ये तो भाई कैब ड्राइवर है भाई, क्या चल रहा है? चलो 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 भैया, वो आगे गया ऑटो, उसको पकड़ना है। भैया थोड़ा सा इधर से राइट और ये, हाँ ये लेफ्ट को मुड़े हो जाए। अगर आप लोग ने भी नोटिस किया कि ये वही कैब ड्राइवर है जो भागा था, फेस भी नहीं ब्लर किया, तो वो कमेंट में मुझे बता देना। अबे छगन लाल है, डिटेक्टिव छगन, बिग बॉस। अरे अरे अंजलि किधर मिलेगी आपको? कुछ ऊपर गई है। ऊपर है? हाँ। मिल जाएगी वहाँ पे। लेट्स गो गाइस। अंजलि, अंजलि, अंजलि किधर है? उधर। तो इस जगह पे हमें पहुंच के पता चला कि अंजलि जो है वो बंजी टावर के ऊपर चढ़ गई है। तो बस फिर उसका पीछा करने के लिए हम भी ऊपर काहे चढ़ गए भाई, कूदने के लिए तैयार हो गए। रानी का हाथ बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे हम। अरे बाप रे, ऊपर जाना पड़ेगा। अंजलि आई एम कमिंग। अब 100 फुट के इस टावर के ऊपर तो मैं चढ़ गया, लेकिन टॉप पे पहुंच के पता चलता है कि अंजलि तो मेरे आने के डर से ही नीचे कूद गई। अब उसका पीछा करने के लिए मैंने पहले ही बोला कूद गई क्या? भैया ने बोला तुम भी बंजी जंपिंग करो, मैंने भी कहा ठीक है भाई, अंजलि को ढूंढने के लिए ये भी कर लेंगे। पैर बांध दिए जा रहे हैं। सच्ची बोलूं तो मेरे को ना एक काइंड ऑफ फोबिया है, हाइट से नहीं डर लगता है, बस बंजी जंपिंग से डर लगता है। रेडी सर? हां भैया, नीचे अंजलि मिलेगी ना? मिलेगी ना। भाई मैं तो ना कभी कर पाऊँ बंजी जंपिंग, अगर आप लोग ने किया है या करना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ, या आपकी भी अगर फटती है मेरी तरह तो भी बता देना। Oh my God.
पार्टी बंद हो पड़ता है। ओह माय गॉड, मर गया, आज मैं मर गया भगवान। ओ का, आई कांट, देवा, मेरी लातों में बहुत दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है। अरे बाप रे, लातों में चिट, पेन बर्दाश्त नहीं हो रही है, स्वेयर पेन नहीं बर्दाश्त हो रही है, आई कांट टॉलरेट। भैया उतार दो। Come on, I can do it. अंजलि मिलेगी, अरे अंजलि कहते हैं। साला अंजलि के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है, बहुत दर्द हो रही है यार, उतार दो। अबे कितने मिनट तक उल्टा लटका के रखा भाई, सर पे सारा खून चढ़ जाएगा। प्लीज गेट मी डाउन, प्लीज भैया उतार दीजिए भैया, प्लीज जल्दी। भैया सबके ही होता है क्या इतनी दर्द? नॉट इवन किडिंग, मेरे आंसू आ गए। ऐसा क्या है बे, इतना दर्द होता है? मेरे को तो मजाक नहीं कर रहा, अपनी लातें नहीं फील हो रही। वीडियो से हटके उस दिन मेरे एक्चुअली में आंसू निकल गए थे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी लाइफ में फिर से कभी नहीं लेना चाहूंगा। मेरी लातें इतनी पेन हुई थी, ऐसा लग रहा था ब्लड क्लॉट हो गया पूरा। फियर ऑफ डेथ ओवरकम कर लिया है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एनीवेज बंजी जंपिंग कर ली मैंने और अंजलि तो कहीं दिखी नहीं। उसके बाद वहां से हम पहुंच गए। नहीं नहीं भाई, अंजलि पानी में डुबकी मार रही है, वो जल परी है, जाके डूबो, जाओ ट्रिगु भैया खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। इतनी भयंकर भूख लग रही थी, मैं बड़ा मैसूर मसाला डोसा लिमका और भी भैया को बोला जो है सब दो दो ले आओ। और खाना खाने के बाद बिल देके मैं बस निकलने ही लगा था, लेकिन तब भी रेस्टोरेंट के ओनर ने मेरे को पहचान लिया। लाओ यार। मैं जो है महारानी का खोया हुआ हार ढूंढते यहाँ पहुँच गया था। मैं अंजलि की तलाश में था पर अंजलि तो मेरे को कहीं मिली नहीं। अंजलि? हाँ मैं ही तो हूँ अंजलि। ये क्या है अंजलि? बाहुबली जिसको ढूंढा गली गली, लड़का निकला वो अंजलि। इतनी देर से अंजलि को ढूंढते कभी ये नहीं सोचा था कि अंजलि लड़के का भी नाम हो सकता है, बट ठीक है भाई, इट्स हिज चॉइस। तो यही सोचते मैं अपने होटल वापस पहुंचा। जब ही मैं सोच रहा था कि बाहुबली बोल के अंजलि भैया हमको क्या बताना चाह रहे थे, अंजलि भाई ने हमें बताया बाहुबली महारानी का हार और बाहुबली के बीच में क्या रिलेशन है। अरे बापरे, सेकेंड पार्ट आने वाला है क्या इसका? बाहुबली महारानी यानी महारानी शिवगामी की हार बाहुबली में कब हुई थी? जब बाहुबली मरा था। बाहुबली कैसे मरा था? कटप्पा ने मारा था बाहुबली को। इसका मतलब कटप्पा ने बाहुबली को मारने के साथ साथ महारानी का हार भी चुरा लिया है। अरे भाई क्या चल रहा है ये? हम जीनियस। इसका मतलब मिस्टर ए ही कटप्पा है। इसका मतलब महारानी के हार को पाने के लिए अब मुझे महेशमती जाना पड़ेगा कटप्पा को ढूंढने, यानी कि मिस्टर ए को ढूंढने। कौन है ये मिस्टर ए, कौन है कटप्पा? भाई पनवेल तो सच में जगह है, लेकिन ये क्या, वो बाहुबली वाली जगह सच में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका सेट बना था भाई। ये सब राज की बातें तो अगली वीडियो में पता चलेगी जब मैं एक्चुअली महेशमती जाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करो तभी अगला पार्ट आएगा। जा रहा हूँ मैं महेशमती पता लगाने कौन है मिस्टर ए और महारानी का हार। आके रहेंगे। See you. भाई 20 मिनट का वीडियो, उसके बाद टू बी कंटिन्यूड। वाह। अरे यार मैं सच बताया था ना कि स्ले पॉइंट और ट्रिगर इंसान ऐसे खतरनाक व्लॉग्स बनाते हैं, उसमें कंटेंट ही घुसेड़ देते हैं, मतलब क्या यार मजा आ गया। ऑब्वियसली इट वॉज टू मच बिकॉज ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, बट अब ये महेशमती कहाँ जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जगह। क्या है ये भाई, पनवेल तो सच में था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था यार वो, मतलब वसूली भाई को ढूंढते अब कटप्पा का ढूंढने निकल गया। अरे बाप रे बाप। बट मेरे ख्याल से छगन ब्लॉगर को ना थोड़ा वार्निंग मतलब देना चाहिए हम सभी को, क्योंकि कटप्पा ना साला बैक स्टैप करता है, बैक स्टैपर है वो। मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मजा आया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मैं आपके लिए मजेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोज लाता रहूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।